श्री राम समर्थ जनवरी 27। नाम परमात्मा के पास पहुंचाने का राजमार्ग है। सभी साधनों में नामस्मरण ही श्रेष्ठ साधन है, पर उसका महत्व समझ में नहीं आता। उसे समझने के लिए वास्तव में भगवत कृपा ही चाहिए। हमारे शरीर में मुख्य हृदय है और शेष अवयव गौण है। नामस्मरण मंगल में मंगल और अत्यंत पवित्र है। यह पक्का ध्यान में रखिए कि अपना जीवन भगवान के अधीन है और भगवान नामस्मरण के अधीन है। योग में योग करते रहने तक ही संतोष रहता है, जबकि नामस्मरण के अनुसंधान में सतत संतोष बना रहता है। निर्गुण की उपासना स्वयं निर्गुण हुए बिना नहीं होती। प्रकाश दिखाई देना, ध्वनि सुनाई देना, क्या ये सब बातें सगुण नहीं है? निर्गुण होने के लिए देह बुद्धि छूटनी चाहिए। सर्वव्यापी परमेश्वर को सब जीवों में देखना ही निर्गुण उपासना है। योग जितना नामस्मरण के लिए पोषक हो उतना ही करना चाहिए। केवल उसी को प्रधानता नहीं देनी चाहिए। योग नामस्मरण के लिए पोषक है, किंतु नामस्मरण योग से परे है। अतः नामस्मरण में योग आता है, लेकिन योग में नामस्मरण नहीं आता। सभी साधनों का अंत नामस्मरण में है। नामस्मरण साधन तेज रेलगाड़ी की तरह है। रंग दिखाई देना, ध्वनि सुनाई देना, प्रकाश दिखाई देना, ये बीच के स्टेशन छोड़कर नामस्मरण सीधे तत्काल भगवान के पास पहुंचा देता है। ऐसा लगेगा कि अन्य साधनों के द्वारा हमारा साध्य जल्दी सध रहा है, लेकिन वह तात्कालिक होगा। नामस्मरण के कारण थोड़ी देर लगेगी, लेकिन जो सधेगा वह स्थायी रूप से सधेगा, क्योंकि नामस्मरण के कारण मौलिक सुधार होगा, जड़ से सुधार होगा। नामस्मरण परमात्मा के पास पहुंचाने का राजमार्ग है। नामस्मरण में आनंद के सिवाय और कुछ भी नहीं है। नामस्मरण के आनंद का चस्का और झटका लगते ही मनुष्य स्वयं को भूल जाएगा। संत तुकाराम महाराज की वाणी काबू में नहीं रही, वह अनवरत नामस्मरण करने लगी। मतलब यह कि उनकी कल्पना से परे नामस्मरण होने लगा। गाड़ी उतार पर आने पर जैसे उसकी गति बढ़ जाती है और रोकने पर भी नहीं रुकती, वैसे ही यह स्थिति है। हमारी शक्ति से अधिक कार्य सफल होना भगवान की कृपा है। चार आदमी थे, उन सबको एक ही तरह की बीमारी हुई थी, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति समान नहीं थी। वैद्य जी ने उनमें से सबसे गरीब आदमी को दवा तुलसी के रस में लेने को कहा। उससे अधिक पैसे वाले से वही दवा शहद में लेने को कहा। उसी से भी अधिक पैसे वाले से वही दवा केसर के साथ लेने को कहा। और उनमें से जो सबसे अमीर था उससे वही दवा कस्तूरी के साथ लेने को कहा। उसी प्रकार जिसका जैसा अधिकार है वैसा वह नामस्मरण करे। नाम केवल मुंह से लिया जाए, नाम श्रद्धा से लिया जाए, नाम वृत्ति को संभाल कर किया जाए। नाम के सिवाय और कोई सत्य संसार में नहीं है, इसी दृढ़ भावना से लिया जाए, सबको समान फल मिलेगा। आज का मुख्य विचार। घोड़े की लगाम पकड़कर ठीक बीच में खड़े होकर जैसे उसे घेरे में दौड़ना सिखाते हैं, वैसे ही हम अपनी वृत्ति को ठीक भगवान के चरणों में स्थिर कर देह को गृहस्थी में घुमाए। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।